जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए, बहरूपिया, डुप्लीकेट, ढोंगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बीजेपी ने इसका जवाब दिया, लेकिन अब तेजस्वी यादव ललन सिंह के बचाव में उतर आए हैं। तेजस्वी ने कहा, ललन सिंह ने जो कुछ कहा वो सही कहा है। प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, कोई टिप्पणी बहुरूपिया कह रहे हैं, तो राजद किस तरह तो घुमा के करेंगे क्या? नहीं, आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला है? सही तो बोला है। तो आपने सुना कैसे तेजस्वी यादव जो है वो बचाव करते हुए नजर आए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने ललन सिंह पर हमलों की बौछार कर दी है। बीजेपी कह रही है कि पीएम मोदी के दम पर ही सांसद बने ललन सिंह का, अब पीएम मोदी को लेकर वो अपमान कर रहे हैं। 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे, हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। आई ई उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है या ओरिजिनल कहां से आ गया? अभी डुप्लीकेट आदमी घूम घूम के पूरा देश भर में कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा से आते हैं। 8 साल के बाद ये बात याद आ रही है क्या? मुझे बताइए आप, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मोदी जी के पिछड़ेपन पर या पिछड़े हैं इस पर तो कोई विवाद नहीं है, वो कर रहे हैं, 8 साल के बाद क्यों? मतलब मुझे मालूम है कि आजकल थोड़ी उनकी तलखी है। अब किस क्या कारण क्या? अब किस कारणों से आप उनसे पूछिए ना, किस कारण से उनसे पूछिए? कुछ अपनों की पीड़ा होगी, कुछ मंत्री नहीं बनने की पीड़ा होगी, है, छोड़ दीजिए उसको। लेकिन क्या उसको यहां तक ले जाएंगे आप? दलित महादलित वर्ग के लोगों को जागृत करने का काम करिए और कहिए कि नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक तुम्हारा हक कोई छीन नहीं सकता है, आप तुम्हारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, लेकिन जागते रहो, ये बहुरूपिया कब आएगा, कौन रूप धारण करके आएगा, इसलिए जागते रहो, जागते रहो, और इनको खदेड़ के जब आवे इनको खदेड़ के भगाओ। ललन जी सामंती मानसिकता के व्यक्ति हैं, जनता से उनका ऐसे भी कोई संपर्क रहता नहीं है, और इस तरह की बातें करना बताता है कि अति पिछड़ों के बारे में जनता दल यूनाइटेड की सोच क्या है, क्योंकि वह जो बोल रहे हैं वह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चुनावी तारीख का ऐलान होते ही बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के प्रचार में ताकत झोंक दी है। थोड़ी देर पहले सिरमौर में अमित शाह की रैली हुई, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर धुआंधार हमले किए। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए, क्या बनने जा रहा है? बार बार। और ये नई बात नहीं है, पहाड़ी की उस और भी एक रिवाज था उत्तराखंड में, वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज अब हमारी बारी है। अरे कोई रिवाज विवाद नहीं चला, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्षेत्र के सारे अनुसूचित भाई जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है, आपका कोई अधिकार ना रिजर्वेशन का ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला। नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस आग लगाने का काम करती है, मोदी जी विकास करने का काम करते हैं। मित्रों ये अंतर। उस और भी एक रिवाज था उत्तराखंड में, वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज अब हमारी बारी है। अरे कोई रिवाज विवाद नहीं चला, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं आज कहकर जाता हूं,
आज मैं कह कर जाता हूं, मैंने पूरे देश के कई चुनाव दिखे। माताओं, भाइयों, बहनों, मेरे प्रिय युवा, मैंने हिमाचल के मिजाज को जाना है। यहां दो तिहाई बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता